नमस्कार, मुंबई मंडल समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वो खास खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई मंडल मध्य रेल पर रेल ट्रैक की मरम्मत तथा अभियांत्रिकी काम के लिए इस रविवार दिनांक 6 फरवरी को हार्बर लाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर चूना भट्टी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर बांद्रा स्टेशन के बीच मेगा ब्लॉक होगा। हार्बर मार्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और चूना भट्टी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बांद्रा स्टेशन के बीच डाउन धीमी गति मार्ग पर सुबह 11:40 से शाम के 4:40 तक और अप धीमी गति मार्ग पर सुबह 11:10 से शाम के 4:10 तक मेगा ब्लॉक होगा। मेगा ब्लॉक से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के लिए आखिरी लोकल सुबह 11:04 पर रवाना होगी तथा पनवेल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आखिरी लोकल 9:40 पर रवाना होगी। ब्लॉक से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरेगांव के लिए आखिरी लोकल सुबह 10:22 पर रवाना होगी तथा बांद्रा स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आखिरी लोकल 10:20 पर रवाना होगी। मेगा ब्लॉक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के लिए पहली लोकल शाम के 4:51 पर रवाना होगी और पनवेल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए पहली लोकल शाम के 3:28 पर रवाना होगी। ब्लॉक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बांद्रा के लिए पहली लोकल शाम के 4:56 पर रवाना होगी। ब्लॉक के बाद गोरेगांव स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए पहली लोकल शाम के 4:58 पर रवाना होगी। ब्लॉक के दौरान कुरला स्टेशन से लेकर पनवेल स्टेशन के बीच विशेष लोकल सेवाएं चलाई जाएंगी। ब्लॉक के दौरान कुरला स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाले यात्री उसी टिकट पर मेन लाइन से यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। मध्य रेल मुंबई मंडल सभी यात्रियों से विनती करती है कि कृपया अनावश्यक यात्रा से बचे तथा यात्रा करते समय कोविड नियमों का पालन जरूर करें। अगर आप रेल से जुड़े आपके किसी प्रश्न पर जानकारी देने वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। रेल तथा यात्री सुविधाओं से जुड़ी खबरों के लिए मध्य रेल मुंबई मंडल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।